Hey everyone, welcome to our channel Success Press Academy. This is Purvija, your biology mentor, and we have already discussed about a lot of things like cell, structure of cell, various cell organelles, cell cycle and cell division. So in today's video lecture, we are going to talk about tissue, including plant tissue and animal tissue. So chaliye start karte hain. Tissue jise Hindi mein utak bolte hain. तो सबसे पहले देखो ये टर्म किसने दिया था. दिस टर्म वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज एन ड्रू. एन डॉट ड्रू साइंटिस्ट है. नाउ व्हाट इज टिश्यू? सो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. ओके, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर और सेम. एक जैसी सेल्स या एक जैसी कोशिकाएं जब मिल जाती है एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगी. ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं अभी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं कि संरचना के आधार पे, यानी कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर वो सेल्स सिमिलर हैं, एक जैसी दिखती है, बिल्कुल एक जैसी है, साथ ही साथ वो एक जैसा काम भी करती है. ठीक है, दिखने में भी एक जैसी है और उनका जो फंक्शन है या उनका जो एम है वो किसी एक ही टास्क को कंप्लीट करना है. ऐसी सेल्स जब ग्रुप में आ जाएंगी तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलेंगे टिश्यू. ठीक है, तो सेल्स का ग्रुप बनाता है टिश्यू और टिश्यूज जो सिमिलर टिश्यू होते हैं वो मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके एनटीपीसी एसएससी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सो देखिए स्टूडेंट्स, जो टिश्यू है उसको हम ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू एक सेपरेट टॉपिक होगा हमारा जो इस वीडियो लेक्चर में कवर होगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर होगा आपका एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू की. आप लोगों ने क्या करना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. प्लांट टिश्यू के लिए ये जो टेबल है, दिस टेबल और दिस फ्लो चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्लांट टिश्यू को हम स्पेसिफिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड द अनदर पार्ट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. ओके, प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, वन टाइप इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड द अनदर टाइप इज परमानेंट टिश्यू. ओके, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अभी इसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूं और जो इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे. ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब इसमें वो वाली सेल्स होंगी जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है. मेरिस्टमैटिक टिश्यू में वो वाली कोशिकाएं होंगी जिसमें लगातार कोशिका विभाजन चलता रहता है. और यहाँ कौन सा कोशिका विभाजन चलेगा, अगर आपने सेल डिविजन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे माइटोटिक डिविजन चलेंगे क्योंकि मियोसिस के जो डिविजन है वो केवल गैमीट बनाने के लिए होते हैं. इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो माइटोसिस सेल डिवीजन है. तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो समसूत्री कोशिका विभाजन या फिर माइटोसिस के थ्रू कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है. और मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू यानी जिसकी कोशिकाएं डिवाइड हो रही है ये फिर से तीन तरह से हमने इसको विभाजित किया हुआ है. एक टाइप है इसका एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टम. दूसरा इसका टाइप है लेटरल मेरिस्टम और इसका तीसरा टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टम. ओके, ये वाला पोर्शन डन मेरिस्टमैटिक टिश्यू का. अब इधर आ जाओ परमानेंट टिश्यू. जैसा इसका नाम है परमानेंट, वैसा ही इसका काम है. मतलब ये टिश्यू अपनी लोकेशन पे, अपनी जगह पे फिक्स हो गया है, परमानेंट हो गया है. अब आगे जो इसकी लाइफ साइकिल है वहां पे प्लांट में इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है,
सीधा सा कहने का मतलब है परमानेंट टिश्यू में किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता। देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता। इसकी सेल्स परमानेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है, अपनी जैसे भी पोजीशन है, लोकेशन है, वहां पे फिक्स हो गई है। परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक है सिंपल टिश्यू और इसका दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। देखो सिंपल टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल यानी कि इसमें एक ही टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सिंपल टिश्यू में सेम टाइप की एक ही जैसी सेल्स है सारी, ओके। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम से समझ आ रहा है कि इसमें यार कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस टिश्यू में, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर के ये टिश्यू बनाएगी। तो यहाँ पे तो एक ही टाइप की सेल्स है सारी और यहाँ पे मोर देन वन टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है, एक है पैरेन्काइमा, ये देखिए पैरेन्काइमा, अनदर वन इज कोलेनकाइमा टिश्यू, ये कोलेनकाइमा हो गया, एंड द नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। सो सिंपल, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल ये सॉरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम जो है ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो जाइलम है वो क्या करेगा, प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब पानी को एब्जॉर्ब तो करती है रूट्स, लेकिन उसे पहुंचाना होता है लीव्स तक, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली लीव्स में ही हो रहा है। तो जाइलम ही वो होता है जो लेकर के रूट में से वाटर को लीव्स तक जाएगा। अच्छा खाना कहाँ बन रहा है, प्लांट का खाना बनता है पत्तियों में, लेकिन पहुंचाना तो बाकी सारे पार्ट्स को भी पड़ेगा खाना, तो फ्लोयम वो काम करेगा, ठीक है, कि जो भी सब न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज होगा, उन सब को फ्लोयम पत्तियों से लेकर के और प्लांट के बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो आप लोगों का ना जाइलम और फ्लोयम से मेनली क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोयम से कई बार क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं एग्जाम में और अभी भी आने के चांसेस है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, ये अगर चार्ट आपको क्लियर है पूरा, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इनकी जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड करती है, एकदम ना एक्टिव होती है सेल्स, एकदम कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करती रहती है, ठीक है, या तो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन की स्टेट में होंगी सेल्स, या फिर वो रिटेन करेंगी कि हाँ वो अगर एक बार वो रेस्टिंग स्टेट में है भी कुछ टाइम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी डिवाइड नहीं कर सकती, उनमें पावर है, उनमें कैपेबिलिटी है सेल डिवीजन करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही होता है कि परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती, ओके। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जब परमानेंट टिश्यू की सेल डिवाइड ही नहीं कर सकती, तो परमानेंट टिश्यू खुद बना कैसे, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है सेल थ्योरी वगैरह तुम पढ़ चुके हो कि हर सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो बनती है। तो परमानेंट टिश्यू की सेल अगर डिवाइड ही नहीं कर रही, इसका मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से परमानेंट टिश्यू से परमानेंट टिश्यू नहीं बन सकता, ठीक है। तो भाई जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की सेल्स है ना, वही मैच्योर होती हैं, वही ग्रो करती हैं और मैच्योर होकर के वही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो परमानेंट टिश्यू भी किससे बनता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही बनता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखो, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। अब तुम प्लांट्स को, छोटे पौधों को ग्रो करते हुए देखते हो, उसमें फूल आते हैं, फ्लावर्स वगैरह आते हैं, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो आप क्या देखते हो भाई कि जो प्लांट है, अगर सपोज वो ऐसे लेंथ में ग्रो कर रहा है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, एपिकल पार्ट है, वहां पे उसका शूट बढ़ रहा है,
इसी तरह प्लांट की जो रूट्स है वो भी तो जमीन में कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है ना, बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है। तो रूट्स का जो एकदम एपेक्स या एकदम टिप वाला पार्ट है, तो देखो जैसे ये शूट है सपोज, तो शूट का भी एकदम ये जो टिप वाला पार्ट है, यहाँ से शूट जो है वो और लंबाई में ऐसे बढ़ रहा है। इस तरह से सपोज ये रूट्स है प्लांट की, मैं ना इसका प्रॉपर डायग्राम और बनाऊंगी, अभी इससे काम चला लो ठीक है। इसके जब मैं टाइप्स तुम्हें पढ़ाऊंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो हम एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। अभी बस इसे देख लो कि ये जो एपिकल पार्ट है ये इस तरह शूट ऊपर बढ़ रहा है, जो रूट्स है वो भी इस तरह, यहाँ पे रूट एपेक्स पे यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इस तरह रूट भी जो है वो जमीन के अंदर बढ़ रही है। और क्या होता है, वही फूल आते रहते हैं, नए नए फ्लावर आते हैं, तो वहां पे भी फ्लोरल ऑर्गन्स जो है वो भी कैसे टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एक कैम्बियम होता है, कैम्बियम एक प्लांट में एक टिश्यू होता है जिससे क्या होता है, प्लांट की ना जो डायमीटर है वो बढ़ता है, मतलब प्लांट की चौड़ाई में जो है वो ग्रोथ होती है, तो वो कैम्बियम टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। रूट एपेक्स यानी रूट का ये टर्मिनल पार्ट एपिकल पार्ट, शूट का ये एकदम एपिकल या टर्मिनल पार्ट शूट एपेक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर तुम खुद सोचो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो लिविंग सेल्स होंगी, डेड सेल तो डिवाइड कर नहीं सकती, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल लिविंग होती है। दूसरी बात, ये जो सेल्स है इनकी शेप कैसी भी हो सकती है, ये राउंड हो सकती है, ये ओवल, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप की सेल हो सकती है ठीक है। अब इधर डायग्राम पे फोकस करो जो मैं बना रही हूं, सपोज मान लो कि ये राउंड सेल्स हैं ठीक है, सेल एक सेल और दूसरी सेल, इनके बीच में तुम्हें ये कुछ स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, क्लियर है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटर सेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, क्यों एब्सेंट होंगे, क्योंकि सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, तो सेल का नंबर ज्यादा होगा, और जब सेल का नंबर ज्यादा होगा तो उनको कम जगह में ही ज्यादा सेल्स आ रखी है, तो सेल्स कैसी होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, मतलब पास पास प्रेजेंट होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, तो उनके बीच में, अब कॉमन सेंस है कि जब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो एब्सेंट होंगे ना, वो घट जाएंगे स्पेसेस, तो इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अच्छा, उसके बाद अगेन सेल को क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहना है, तो उसकी जो सेल वॉल है वो भी ज्यादा मोटी नहीं होती, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल काफी पतली होती है ताकि डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स होते हैं या रिक्तिकाएं होती हैं वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस साइज में काफी बड़ा होता है ओके। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, और इनका जो प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कुछ भी कह लो, वो काफी क्लियर और काफी डेंस या सघन होता है ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, उनकी सेल कैसी होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद कैसा होगा, ये सारी चीजें, और उसके कुछ एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखो बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो जो तीन टाइप्स हैं उनके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का है, थ्री टाइप्स का है, एक है एपिकल मेरिस्टम, एक है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टम, जो हमने वो फ्लो चार्ट में ड्रॉ किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होगा, प्लांट में जो एपेक्स वाले पार्ट होंगे, एपेक्स यानी कि जो प्लांट में टिप पोर्शन होते हैं है ना, वहां पे एपिकल मेरिस्टम होगा। जैसे ये देखो, ये मैंने एक शूट का डायग्राम ड्रॉ किया है, और इस शूट में एकदम जो टिप है, एकदम ऊपर वाला ये टॉप पोर्शन है, इसको हम एपिकल पार्ट बोलेंगे ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा? एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ये केवल यहाँ पे ही नहीं होगा कि एकदम जो प्लांट का, सपोज दिस इज प्लांट और उसका ये एकदम टिप वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरिस्टमैटिक, अब सपोज ये जो मार्कर का ब्लैक वाला पोर्शन है ना, इसको समझो कि ये एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। अब इसमें कौन सी सेल्स है जिनमें कंटिन्यूस सेल डिविजन हो रहा है? तो जब इन सेल्स में कंटिन्यूसली सेल डिविजन होगा तो क्या ये जो शूट है इसकी इस तरह से ग्रोथ नहीं होगी? इसकी लेंथ या इसकी लंबाई बढ़ेगी ना, ठीक है, तो इसकी लीनियर ग्रोथ हो रही है। केवल यहां पे नहीं होगा, इनफैक्ट जो ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, ब्रांचेस में भी जो टिप है, इस तरह से ब्रांचेस निकल रहे हैं और ब्रांचेस के भी जो टिप है, एपेक्स वाले पोर्शन है, यहां पर भी एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और देखो, और जो रूट्स होती है, ठीक है, ये है रूट्स प्लांट की, ठीक है, तो रूट्स में भी ये जो एकदम टिप वाला पोर्शन होगा यहां पे, इधर भी एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा ताकि रूट्स की भी इस तरह से लीनियर ग्रोथ हो। शूट भी जो है वो एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से लंबाई में बढ़ेगा, ठीक है, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और रूट्स की भी जो लेंथ है वो सॉइल में इंक्रीज होगी। तो ये वाला आपको समझ में आया, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू ये जो ग्रोथ करके देगा प्लांट को, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसी होती है? लीनियर। इसकी वजह से प्लांट कैसे बढ़ता है? लंबाई में बढ़ता है, लेंथ उसकी इंक्रीज होती है। क्लियर? सेकंड नंबर पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अच्छा, ये कहां प्रेजेंट होगा? इंटर कैलरी वाला प्रेजेंट होता है बेस ऑफ लीव्स, जो पत्तियां हैं, पत्तियां इस तरह से, उनके बेस पे, यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और क्या होता है? देखो, प्लांट में जो ब्रांचेस निकलती है, जहां से प्लांट में ब्रांचेस निकलती है उनको कहते हैं नोड्स, ठीक है, और नोड्स से फर्दर ब्रांचिंग निकलती है और उन पोर्शंस को कहते हैं इंटर नोड्स। क्लियर? तो इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ लीव्स एंड एट इंटर नोड्स। इंटर नोड वाला जो पोर्शन होगा वहां पर भी ये वाला मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये प्लांट को कैसी ग्रोथ करके देगा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। इसकी वजह से प्लांट की कैसी ग्रोथ होगी? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी। क्लियर? ये हुआ आपका इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और जो थर्ड टिश्यू है वो है लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। देखो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्लांट का, मान लो ये पेड़ का तना है, ठीक है, स्टेम है, तो उसमें ये इस तरह से बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इंटर कैलरी मेरिस्ट, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है और ये वाली ग्रोथ भी क्या कर रही है? प्राइमरी ग्रोथ को ही और एडअप कर रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसकी भी ग्रोथ कैसी है? प्राइमरी ग्रोथ है। इन दोनों की प्राइमरी ग्रोथ है, वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों की। लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से, क्योंकि जब इसकी सेल्स डिवाइड करेंगी तो इसकी वजह से प्लांट चौड़ाई में बढ़ेगा, मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज होगा। तुम देखते हो ना, जो पेड़ जितना ज्यादा पुराना होता है उसका तना या उसका स्टेम उतना ही मोटा या थिक होता है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? वो लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से,
जब छोटा पेड़ उग ही रहा है, मतलब पौधा है, उस टाइम पे उसका जो स्टेम है वो कितना पतला होता है ना, थिन होता है, मगर जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है, टाइम पीरियड निकलता जाता है, वैसे वैसे वो प्लांट लंबाई में चौड़ाई में बढ़ रहा है, साथ साथ उसका जो स्टेम है वो, उसकी जो ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, वो सभी सभी की जो है वो ले, इस तरह से डायमीटर जो है वो उनका इंक्रीज होने लगता है। तो इनकी जो ग्रोथ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये लेटरल ग्रोथ प्लांट को प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो प्लांट है उसका डायामीटर, मतलब चौड़ाई में प्लांट बढ़ रहा है। इन दोनों में हमने क्या देखा कि प्लांट लंबाई में बढ़ रहा था और उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही थी, उस तरह से प्लांट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लेटरल मेरिस्टमेटिक की वजह से लेटरल ग्रोथ हो रही है, प्लांट का डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, चौड़ाई में प्लांट बढ़ रहा है, और ये जो हमें ग्रोथ करके देगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर है ये बात? अभी इसका जो एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो वो टिश्यू होता है कैम्बियम। कैम्बियम टिश्यू होता है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है? इसमें भी कॉर्क कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये दो तरह का होता है। क्लियर? तुमने कभी कटा हुआ तना देखा है किसी पेड़ को, जब काट दिया हो, तो किसी पेड़ को जब काट देते हैं तो उसमें हमें, मुझे बोर्ड पे जगह नहीं मिली, एक मिनट, ये मैं इरेज कर रही हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। कभी कटा हुआ तना देखा हो इस तरह का, तो उसमें तुम्हें ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, देते होंगे, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है? इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। और ये एनुअल रिंग्स कौन से टिश्यू की बनी होती हैं? कैम्बियम की। कैम्बियम जो तुमने यहां पढ़ा है, इनको एनुअल रिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट की एक साल की ग्रोथ को बताती है, एक साल की ग्रोथ को हमें रिप्रेजेंट करती है। जब रेनी सीजन होता है तो कैम्बियम टिश्यू जो है उसमें ज्यादा तेजी से डिविजन्स होते हैं बजाय विंटर सीजन की, ठीक है? तो इस तरह से ये एक एनुअल रिंग का मतलब क्या हुआ, एक एनुअल रिंग बनी, मतलब एक साल की ग्रो, एक साल प्लांट ने ग्रो किया, ठीक है? वो एक साल को रिप्रेजेंट करेगी। तो इन एनुअल रिंग्स को गिन करके हम लोग प्लांट की जो लाइफ है वो बता सकते हैं कि उस प्लांट की उम्र क्या है, उसने कितनी लाइफ जी ली है, ठीक है? प्लांट की एज को इन एनुअल रिंग्स से कैलकुलेट किया जाता है। और ये एनुअल रिंग्स किसकी बनी होती है? कैम्बियम टिश्यू। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह का मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ लिया है, तो चलो अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो आपको पता ही है परमानेंट टिश्यू वो है जिसकी सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, वो अपनी लोकेशन पे फिक्स हो गई है, ठीक है? तो सेल्स ने डिविजन की कैपेबिलिटी जो है वो लूज कर दी। और परमानेंट टिश्यू भी किससे डिफरेंशिएट होता है? मेरिस्टमैटिक टिश्यू से। मेरिस्टमैटिक टिश्यू की ही सेल्स मेच्योर हो जाती हैं और परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, इसलिए परमानेंट टिश्यू को हम मेच्योर टिश्यू भी बोलते हैं। क्लियर? इसकी जो सेल्स हैं वो या तो डेड भी हो सकती है या तो लिविंग भी हो सकती है। मेरिस्टमैटिक सेल हमेशा लिविंग होती थी, मगर इसकी डेड भी हो सकती है और लिविंग सेल्स भी हो सकती है। अगर डेड सेल होगी तो उसकी जो सेल वॉल है वो मोटी होगी, थिक होगी, ठीक है? तो लेकिन अगर लिविंग सेल है तो उसकी सेल वॉल थिन होगी। तो परमानेंट टिश्यू में अपन ऐसे बोलेंगे कि सेल वॉल थिक या थिन दोनों ही हो सकती है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था फिर से टू टाइप में डिवाइडेड था, एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की।
यानी कि इस टिश्यू में सेल्स जो है वो सारी एक जैसी सेल्स हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से तीन तरह का था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा सबसे सिंपल टिश्यू है, इसमें कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, सबसे सिंपल है। इसकी सेल्स की शेप कैसी भी हो सकती है, राउंड, ओवल, किसी भी शेप की सेल है इसमें। इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो परमानेंट इसमें, पैरेन्काइमा में सॉरी, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं इनके बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। अच्छा, ये होगा कहाँ, याद कैसे रखोगे पैरेन्काइमा कहाँ होता है? तो सिंपल सा टिश्यू है बेचारा, कहाँ होगा, जो प्लांट के सॉफ्ट पोर्शंस होते हैं ना, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, वहां होगा। जैसे कि जो हम लोग फ्रूट में पल्प खाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट में अंदर जो वो पल्प होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा पोर्शन, वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। और फ्लावर जो है वहां पैरेन्काइमा टिश्यू है, लीव्स या पत्तियां वहां पे भी पैरेन्काइमा टिश्यू है। और जो प्लांट की एपिडर्मिस है, प्लांट एपिडर्मिस यानी प्लांट की जो लेयर है, आउटर लेयर है, वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू होगा। इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर कई लेयर्स होती है, जैसे पेरिसाइकल, पिथ, ठीक है, एंडोडर्मिस, इन लेयर्स में भी पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। तो ऐसे याद रखना कि जो सॉफ्ट पार्ट्स होंगे प्लांट के, वहां पे ये टिश्यू प्रेजेंट होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। कैसे मॉडिफाई हो जाता है, कि इनमें ना क्लोरोप्लास्ट, कुछ में बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और क्लोरेन्काइमा का जो काम है वो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरेन्काइमा का काम भी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करना। कई बार पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं वो अपने अंदर फूड भी स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगे कि उनमें ना हवा भर जाएगी, ठीक है, उनमें एयर काफी ज्यादा आ जाएगी, तो ऐसे पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे अपन, एयरेन्काइमा। ओके, एयरेन्काइमा जिसमें एयर ज्यादा हो गई है। तो ये वाले जो एयरेन्काइमा टिश्यू है ये किसमें होंगे, वो वाले प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं और पानी की सरफेस पे जिन्हें फ्लोट करना होता है, ठीक है, तो उन प्लांट्स में एयरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि उनको ना बायोन्सी चाहिए होती है उन प्लांट्स को, और उनको हल्कापन चाहिए होता है ताकि वो पानी की जो सरफेस है उस पर इजिली फ्लोट कर सके, तो उनमें एयरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। आगे की जो नेक्स्ट सारी बातें हैं, ठीक है, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और परमानेंट टिश्यू, इसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।